बिल्कुल देखा है, वेरी एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म बिकॉज अलग सब्जेक्ट है. किसी ने आई थिंक गो गोवा गॉन के बाद किसी ने कुछ ट्राई नहीं किया था ऐसा, एंड आदित्य ट्राइड इट. सो लुकिंग फॉरवर्ड. तो दोस्त हैं, वैद्य ही है, ललित है, अमय है. रियली एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म, इंटरेस्टिंग होगी. सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि 26 जून को ये फिल्म थिएटर में आ रही है. थिएटर में आ रही है फिल्म, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट. जब से देखिए फिल्म देखना है, मज़ा थिएटर में जो है वो कहीं नहीं होता बाकी. सो रियली एक्साइटेड फॉर दैट कि पिक्चर थिएटर में रिलीज हुई है और हाउसफुल जा रही है हर जगह. सो मैं तो इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ. जब भी सर आएंगे हमारे, वो भी सबसे लेट हैं यार, इतने सर वो आएंगे और हम अंदर रह जाएंगे फिल्म देखने के लिए, तो बड़ा मज़ा आएगा. सो क्या ट्रेलर से देखने के बाद से क्या एक्सपेक्टेशन, आपकी उम्मीदें बढ़ जाती है? क्योंकि आपने बताया कि हाउसफुल भी जा रहा है, उम्मीदें कितनी बढ़ जाती है आपकी ज़ॉम्बी वाली से? देखिए पहली बात तो ये सब्जेक्ट इतना अच्छा है, इंटरेस्टिंगली एक तो एक हॉरर एंड कॉमेडी, ये जो कॉम्बिनेशन होता है तो चलता है. चाहे वो गो गो गॉन हो या स्त्री हो, इस टाइप की फिल्में हमेशा वर्क करती हैं और बड़ी इंटरटेनिंग होती हैं. तो वो एक प्लस पॉइंट है कि वो ज़रूर देखना है मुझे, कितनी कितना मज़ा आएगा फिल्म में. मैं बहुत हॉरर देखता नहीं हूँ, बट हॉरर कॉमेडी ज़रूर देखता हूँ. तो एक वो है, प्लस इतने अच्छे एक्टर्स हैं सब, और आदित्य है, इज़ अ फ्रेंड. कोविड के लॉकडाउन में भी आपकी भी शूटिंग चला, तो बताना चाहेंगे क्या कुछ आने वाला है, धमाका होने वाला है, मैंने सुना है. मैं खुद वेट कर रहा हूँ कि कब मेरी फिल्में आएंगी थिएटर में, कहीं भी आए तो. एक फिल्म अभी दो साल में कितनी, दो ही फिल्म आई है मेरी, तो काफ़ी सारी फिल्में रेडी हैं. जैसे ही थिएटर्स फुल्ली ऑपरेशनल होंगे, जब लोग आना शुरू करेंगे तो सारी फिल्में रिलीज होंगी. तो काफ़ी देखेंगे आप मुझे इस साल, शायद एंड ऑफ द ईयर ही पूछे कि इतनी फिल्में कैसे कर ली आपने, सारी लॉकडाउन में की हुई. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. गुड टू बी आउट फाइनली थिएटर में मिलके. डेफिनेटली आपने आई थिंक ज़ॉम्बी वाली का ट्रेलर देखा होगा, सो व्हाट डू यू से अबाउट दी, कितनी एक्साइटेड हैं? ट्रेलर देखा है इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, एंड इनके ज़ॉम्बी के डायरेक्टर आदित्य सरपोदार के साथ मैं अपनी अगली फिल्म करने जा रही हूँ, जो है ककूदा, जिसकी शूटिंग हो चुकी है. तो जब हम शूट कर रहे होते थे तो वो ज़ॉम्बी विली के बारे में बहुत बात करते थे, उन्होंने हमें टीज़र वहाँ पे दिखाया था. और मुझे कुछ अलग ही लगाव है, अलग ही ऑब्सेशन है ज़ॉम्बी फिल्मों के साथ. आई लव वॉचिंग ज़ॉम्बी फिल्म. सो व्हेन ही शोड मी द टीज़र, आई वाज लाइक आई हैव टू वॉच दिस फिल्म. और जैसे ही पिक्चर रिलीज हुई, आई टोल्ड हिम मैं आ रही हूँ देखने, प्लीज़ दिखा दो. सुनाशी जी, सबसे अच्छी बात ये है कि 26 जैन को ये फिल्म थिएटर में आई है, सो कितनी एक्साइटेड है कि अगेन हमारी फिल्में थिएटर्स में. नहीं, अच्छी बात है, धीरे धीरे चीज़ें खुलने लग रही हैं, एंड आई थिंक धीरे धीरे ही खुलनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं माहौल उतना सुधरा हुआ नहीं है, यू नो. सो अनटिल देन जितना हो सके हम उतना कर रहे हैं, एज एंटरटेनर्स, एज यू नो पीपल हु मेक फिल्म्स, हु आर पार्ट ऑफ फिल्म्स. तो अच्छी बात है, और हौसला भी बढ़ता है जब ऐसी फिल्म आती है और इतना अच्छा ओपनिंग मिलता है उसे, यू नो. सो इट्स वेरी इंकरेजिंग, एंड लगने लगता है कि यू नो थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. क्योंकि आपकी फिल्म है, आपकी भी फिल्म है इनके साथ में, तो थोड़ा सा जॉनर बता सके कि क्या, क्योंकि आपने बताया कि हॉरर कॉमेडी है. हॉरर कॉमेडी एक्चुअली, एंड मेरी फर्स्ट हॉरर कॉमेडी होगी. मैंने पहले कभी ये जॉनर अटेम्प्ट किया नहीं है, और बहुत ही एक्साइटिंग है मेरे लिए, बहुत ही अलग रोल है और बहुत मज़ा आया मुझे. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल. तो कब तक आ जाएगी ये? आई थिंक दिस साल, ये साल आ जानी चाहिए. कब आई कांट टेल यू एग्जैक्टली, शूटिंग हो चुकी है या तो दिस साल डेफिनेटली. ग्रेट. ये ब्यूटीफुल आउटफिट में है, तो थोड़ा सा अगर आप मुझे बता सके, ब्लैक एंड ब्लैक. भाई ब्लैक है, स्वेट शर्ट है, पैंट है, बूट है, इसके अलावा कुछ नहीं है. मेरे कवर में पड़ा था, मैंने निकाल के पहन लिया. बहुत ही अच्छा लग रहा है. थैंक यू. कुछ कहेंगे आप ज़ॉम्बी वाली या आपकी जो फिल्म है? जी बिल्कुल, एक आई थिंक एक पार्ट ब्रेकिंग फिल्म है, क्योंकि ऐसी फिल्म शायद अटेम्प्ट ही हुई है इंडियन सिनेमा में, और एक यू नो बींग मेड इन द मराठी लैंग्वेज. आई थिंक इट्स रियली रियली अ बिग स्टेप इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, और आई थिंक वी शुड इनकरेज इट. एंड आई एम श्योर कि ट्रेलर देखने के बाद ही पता चलता है कि बहुत ही अच्छी फिल्म है, और एंटरटेनिंग फिल्म है, और बहुत ही यू नो फनी फिल्म है.
सो आई थिंक एवरीबडी शुड इनकरेज सच सिनेमा जब कोई एक ऐसा रिस्क लेता है तो थैंक यू सो मच थैंक यू एंड थोड़ा सा ये कट व्यूज लेंगे